नमस्कार, रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। आज आपको हम छोटे बच्चों के पेट में दर्द के बारे में बता रहे हैं। छोटे बच्चे घरों में होते हैं और आकस्मिक पेट दर्द हो जाता है, तब उसके लिए तुरंत निर्णय लेना पड़ता है और कई बार चिकित्सक नज़दीक नहीं होते हैं। चिकित्सक नज़दीक नहीं होने से एक परेशानी और उलझन होती है, तो दादा दादी नाना नानी के नुस्खे याद आते हैं, पर आजकल ये भी स्थिति ये बनी हुई है कि कुछ परिवार अलग रहते हैं जो बूढ़े बुज़ुर्ग साथ नहीं होते हैं। तब क्या करें, लोग नेट पे ढूंढते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, सबसे बढ़िया तरीका तो है, अगर पेट दर्द है तो उस अवस्था में आप गर्म पानी का सिकाई करें। सबसे बेस्ट तरीका है, पहली बार दर्द हुआ हो एक बार आप उसको गर्म पानी से सिकाई दे दें और घर में अजवाइन को पीस के नींबू से भावित कर लें। नींबू का रस होता है, उससे भावना दे के सुखा दें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक रख दें। प्राथमिक उपचार में घोल के वो दे दें। अगर बच्चे को बार बार दर्द की शिकायत होती है, कई बार डॉक्टरों के पास ले जाने के बाद में भी उपचार नहीं हो पाता है, तब क्या करें? तब हो सकता है पेट में कीड़े हों। इस पर ध्यान दीजिए, अगर पेट में कीड़े हों तो उसके लिए आयुर्वेदिक दवाई आती है विडंगा सव या विडंगा रिष्ट, जो भी उपलब्ध हो वो लाएं और नियमित आयु के हिसाब से उसका निर्धारण करना पड़ता है। आप केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगे, न उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। हर आयु वर्ग के लिए नाप अलग होगा। आप उसको 15 दिन वो दवा दीजिए, पेट के कीड़े निकलते ही आराम आ जाएगा। कई बार बच्चों के पेट में दर्द के साथ पेशाब में तकलीफ होती है। कई बार पेशाब में तकलीफ होने से संक्रमण भी हो सकता है, पथरी भी बन सकती है और वो निकलती रहती है। उसके जगह पे कोशिश आपको ये करनी चाहिए, इस अवस्थाओं में कुमारिया सव आता है बच्चों के लिए, वो कुमारिया सव आप घर में रखें और वो दो दो चम्मच पानी मिला के सुबह दोपहर शाम दे दिया करें, उससे बहुत बढ़िया फ़ायदा रहेगा। कई बार बच्चों के पेट में कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोता है और लैट्रिन नहीं आती है। इस दौरान ये एक चिंता का विषय हो जाता है, तब आपको घर में उपाय घरेलू बता रहे हैं। उसमें या तो आप ऐसा काम कीजिए, हरड़े आती है उसको पीस के आप रख दीजिए, और कैस्ट्रोल ऑयल में अगर उसको उबाल के उसका चूर्ण बना के रखें तो सबसे बढ़िया है, वो दे सकते हैं। दूसरा कैस्ट्रोल ऑयल यानी जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, अरंडी के तेल में आप उसको कीजिए कि शाम के वक्त गर्म दूध में, गुनगुना दूध मैं आधा चम्मच या कम ज़्यादा अनुपात जैसा आयु वर्ग है वैसा करके उस आधार पे आप उसमें दीजिए, कब्ज टूटेगी। फाइबर युक्त आहार दीजिए। बच्चे अक्सर मीठा खाने के चक्कर में सब्जियां नहीं खाते, तो उन्हें जोश दिलाइए, उन्हें समझ उत्पन्न कीजिए कि सब्जी खाने से ये तेरा दर्द दूर हो जाएगा, लैट्रिन आने में परेशानी नहीं होगी। बच्चे को ज्ञान देंगे, बच्चा समझेगा तो ज़रूर है कि उसकी कब्ज भी टूटेगी और उसकी कब्ज टूटने के साथ में रक्त वृद्धि भी आय होगी और शरीर में सबलता यानी ताकत ऊर्जा भी मिलेगी। ये बातें उसको बतानी पड़ेगी। बताने से बच्चा क्या होगा कि मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा सब्जी खाने में। सब्जी नहीं खाते उनको ही ज़्यादा ये होती है। पानी खूब पिलाएं, पानी पीने से भी काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, जिसलिए आपको नए नए वीडियो मिल सके और हम निरंतर आपकी आकांक्षाओं पर खरे उतरे ये कोशिश रहेगी। इसलिए आप टिप्पणी भी करते रहें, ताकि जिसमें जो भी अपडेट एक दूसरे को होना होगा आपको या मुझे, हम होते रहेंगे, हम साथ साथ चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय राम जी की।